बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे गले का बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला डिज़ाइन। और डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ये बॉर्डर पट्टी, और ज़रूरत पड़ेगी इन लूप्स की, ठीक है। और कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो आसानी भी बन जाए और जल्दी भी बन जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉर्डर पट्टी, और इसको खूबसूरती देने के लिए मैंने इसके आगे लगाया है ये गोटा बारीक वाला, आपको दिख रहा होगा। तो ये किस तरह लगाया है मैं आपको इस वाले बॉर्डर पर लगाना सिखाऊंगी। ये है वो गोटा। अगर आपको ज़्यादा ग्लिटर पसंद है तो आप इसे ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो या ज़्यादा फिर चमकीला सा हो जाएगा, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी ही किनारी शो करूंगी इस गोटे के ऊपर, इस बॉर्डर को रख कर। तो ये लग गया, अब इसे करेंगे प्रेस। तो ये है बॉर्डर, और अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना है कि हम इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे। इस बॉर्डर को इस तरह हम लंबाई में रख लेंगे। और ये है बेगला, जो कि मैंने कटिंग करके चिपका के तैयार कर लिया है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने मुकम्मल तौर पर आपको सिखाया है किस तरह कटिंग और स्टिचिंग होती है। आपने इसको इस तरह रखना है, और यहाँ एक निशान लगाना है जहाँ पर इसकी ये लाइन आ रही है। इस तरह करके आप एक निशान लगा लें, ठीक है। यहाँ तक हमारा गला आ जाएगा। अब इस गले को हटा दें, और फिर इस तरह बॉर्डर रखें आप अपना। और जितनी आपको लेंथ रखनी है अपनी, यानी कि जितनी हमें स्लिट तैयार रखनी है उसका साइज़ ले लें। मुझे तैयार स्लिट चाहिए 19 इंच, तो एक निशान हम 19 इंच का यहाँ लगाएंगे। और ये जो हम निशान लगाएंगे ये हम शर्ट के सीधे साइड पे लगाएंगे। यहाँ तक हमारा गला था, यहाँ से हम इसको साइज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा 14 इंच पर आ रहा है, और एक एक इंच के गैप पे हम लोग इस तरह निशान लगा लेंगे। और टेंशन मत लीजिएगा, ये जो चौक है ये एक ही धुलाई में, यानी कि वन वॉश में इसका निशान चला जाता है। एहतियात रहे कि पेन या मार्कर से आपने निशान नहीं लगाना, वो फिर डार्क हो जाता है। तो ये सारे मैंने निशान लगा लिए हैं, और अब हम यहाँ पर ये लूप्स लगाएंगे। तो इस तरह आपने पट्टी सेट करनी है सेंटर में, और पहला लूप्स हम यहाँ से लगाएंगे। और ये मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है, और इजीली कोई भी बना सकता है, जो नए सीखने वाले हैं वो भी, और जो प्रोफेशनल हैं वो भी। और हम यहाँ पर अपना धागा चेंज करेंगे, इस कलर का धागा लगाएंगे। अब इस पट्टी को प्रेस करेंगे, और प्रेस की मदद से जो जो इसकी सिलाइयाँ हैं उन्हें बिठा देंगे। हम लूप्स लगाएंगे गुम सिलाई के साथ, और गुम सिलाई के साथ किस तरह लगाएंगे ये मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कुछ इस तरह बताएं कि हमारी सिलाई भी शो नहीं हो और हमारे लूप्स भी लग जाएं।
तो करना कुछ इस तरह है, आपने ये सुई में जो धागा है इसे इस तरह निकाल लें और इस तरह बिल्कुल इसके बराबर बराबर में खाली सिलाई लगानी है आपने। तो ये देखें, ये मैंने इसमें खाली सिलाई लगाई है, मैंने सुई से धागा निकाल दिया था। ये खाली सिलाई से आपका निशान भी शो हो गया, हम कोई भी डार्क निशान लगाते हैं तो वो वाजे होता है। तो अब हम इस के ऊपर साइजिंग करेंगे अपनी। इतना मार्जिन छोड़ के जो हमारा सिलाई में दबे का गला, और हम निशान लगाएंगे पौने पौने इंच पर। तो मैं निशान लगा रही हूँ इस पेन के साथ, इस पेन को आपने डार्क बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही लाइट सा निशान लगाना है, वो भी इस साइड पे, अंदर की साइड पर इस तरह, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, इस साइड पर आपने नहीं लगाना। और इस तरह हम पूरे पे निशान लगा लेंगे। सारे निशान मैंने लगा लिए हैं, अब हम इस पे लगाएंगे लूप्स। तो मैंने सारे लूप्स इसमें अटैच कर लिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि ये देखें, ये बिल्कुल बुकरम की जो साइड है यानी कि कोना है उसी के ऊपर सिलाई आई है। सिलाई हमारी बुकरम पर भी नहीं आई और हमारी कपड़े पर भी नहीं आई है। और अब इस शर्ट के ऊपर हम अपने गले को अटैच करेंगे। ये वाला जो साइड है ये हमारा नीचे आएगा और ये बुकरम वाला साइड हमारा ऊपर आएगा। और मैं इसके बीच में लगाऊंगी एक सिलाई, आप चाहें तो पिनों से भी इसे पिन अप कर सकते हैं। तो यहाँ सारी मैंने इसको कट कर दिया है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। बुकरम को इस तरह हम फोल्ड करेंगे, ये जो लूप्स हैं इनको हम यहीं रहने देंगे, यानी कि इनको हम इस तरह नहीं करेंगे। अब हम इसे करेंगे प्रेस। तो ये कुछ इस तरह की लुक बनी है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको इस तरह लुक्स भी, ये पल मोती भी लगा सकते हैं इस तरह। ये तो मैं पल मोती लगाऊंगी और उसके बाद इसकी आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें पल मोती लगा लिए हैं और इसकी कंप्लीट लुक कुछ ये है, इस तरह की है, आपके सामने है। और मैंने कितना डिटेलिंग के साथ आपको समझाया और बताया है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको फिर बता दूंगी, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये देखिएगा, ये मैंने गुम सिलाई के साथ जो लुक्स लगाए हैं तो कुछ इस तरह की लुक आई है। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।